साढ़े नाल हरपाल चीमा जी ने दूजी बार एम एल ए बने ने, आम आदमी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन भी ने, ते जिहड़ी डिजोल्व हो गई असैम्बली। चीमा साहब पहले तो तुहानू बहुत बहुत मुबारक हो, लैंडस्लाइड विक्टरी आम आदमी पार्टी की हुई है पंजाब दे विच, ते की प्रायोरिटीज़ हुण सरकार वास्ते रहणगियां? पहले तो देखो, सब तो पहला मैं तुहाडे स्रोतियां दा, सब दा, पंजाब निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा गा जिन्होंने एक पूर्ण बहुमत ते स्पष्ट बहुमत वाली सरकार पंजाब विच बनाई आ, और अरविंद केजरीवाल जी दियां गुड गवर्नेंस का मॉडल, एजुकेशन का मॉडल, हेल्थ का मॉडल से मोहर लाई आ, और सरदार भगवंत सिंह मान जी की सख्त मेहनत ईमानदारी जी रंग लैके आई आ, और भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल जी जोड़ी हिट हुई आ, और आम आदमी पार्टी की जी जित हुई आ। और दूजे पास वो विरोधी जिन्होंने पंजाब करप्शन लैके आँदी सी, पंजाब नूं भ्रिष्टाचार बनाया सी, उस राज का भ्रिष्टाचारियों राज का खात्मा होया, ईमानदार लोग जिहड़े इस वार अगे आए ने। प्रायोरिटीज की रहणगियां हुण सरकार वास्ते? सरदार भगवंत सिंह मान जिहड़े हैगे ने 16 मार्च नूं सौ चुकण तो बाद पंजाब विच आम आदमी पार्टी दे किहड़ी किहड़ी प्रायोरिटीज रहणगियां उहनां बारे अनाउंस करनगे। ते हुण गवर्नमेंट फॉर्मेशन दी जिहड़ी प्रोसेस है उह की रहेगी, किद्दां कल अज जिहड़ी साडे विधायक दल दी मीटिंग होई सी, सारे विधायकां ने सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं अपना नेता चुनिया गा, प्रिंसीपल बुधराम जी ने उन्हां दे नां नूं जिहड़ा फर्स्ट कीता, तायद कीता, नाम प्रपोज किया, और सरबजीत कौर माणुके जी ने साडे उन्होंने उन्होंने नाँ की तायद की, और सारे विधायकों ने उन्होंने कोट किया, वो हक जी वोट पाई, और कल सरदार भगवंत सिंह मान जी 10:30 बजे पंजाब के मान जो गवर्नर साहब मिलकर आएंगे और दावा पेश करेंगे, और दावा पेश करने तो बाद 16 मार्च में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जी खटखट कलां सौ चुक समागम। चीमा साहब, एक जिहड़ा मैंडेट है इस बड़े बड़े दिग्गज हार गए ने, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, उधर मजीठिया, नवजोत सिंह सिद्धू, इन्हों कितना देखते हो तुम लोगों का जो फतवा है? देखो, पंजाब के लोगों ने एक तरफा फैसला आम आदमी पार्टी के हक किया गा, बड़े लंबे अरसे तो पंजाब भ्रिष्टाचार सरकारां काम कर रही सी, भ्रिष्टाचार करके पंजाब नूं बर्बाद किया होया सीगा, इस बार पंजाब के लोग ईमानदार लोगों की सरकार चाहते सी। और दूजे पास मैं समझदा गा एक बदलाव की जिहड़ी मुहिम चली हुई सी, अरविंद केजरीवाल जी का गुड गवर्नेंस का मॉडल, एजुकेशन का मॉडल, हेल्थ का मॉडल, सरदार भगवंत सिंह मान जी दी नीतियां, उन्हां दी ईमानदारी, उन्हां दी सख्त मेहनत रंग लैके आई हैगी, और भ्रिष्टाचारी हारे ने, ईमानदार लोग जीते ने। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, भगवंत मान होर एड्रेस कर रहे सी तमाम MLAs नूं अंदर, उन्होंने अपने एड्रेस दे विच बहुत सारियां चीज़ां कहियां, बहुत मैसेजेस दिते MLAs नूं, एरोगेंट नहीं होना है, लोगों के बीच जाना है, उन मैसेजेस नूं किद्दां देखदे हो तुसीं भगवंत मान जिहड़ा? बिल्कुल, मान साहब ने बहुत सारे मैसेज जिहड़े हैगे सारे MLA साहिबां नूं दित्ते नेगे, बहुत अच्छी गल आ कि सारिआं ने लोगों च रहना गा, लोगों च रह के काम करना गा, किसी ने हंकार नहीं करना गा, ये जित जिहड़ी आ पंजाब दे लोगों की हुई हैगी। सो जिस तरह लोग एक्सपैक्ट करते हैं, जिस तरह के लोग चाहते हैं कि उस तरह की सरकार पंजाब में होगी, ये सरकार महिलाओं वाले बड़े बड़े शीशियों चो नहीं चलनी हैगी, बड़े बड़े घरों नहीं चलनी, ये आम घर चलनी है, पिंड चलनी है, महल्या चलनी है। आम आदमी पार्टी लैजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग फिलहाल खत्म हो गई है, तो भगवंत मान को फॉर्मली लैजिस्लेचर पार्टी का लीडर जिहड़ा है वो इलैक्ट किया गया इस मीटिंग दे विच, ते कल भगवंत मान 10:30 बजे पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित कोल जाणगे, ते सरकार बनाने का दावा पेश करनगे। 16 मार्च को जिहड़ा है ओथ सैरेमनी जिहड़ी है वो खटखट कलां होएगी, खटखट कलां शहीद आजम भगत सिंह का जिहड़ा नेटिव प्लेस है, एनसेस्ट्रल पिंड है, उत्ते भगवंत मान ते उन्हां दे कैबिनेट कोलीग जिहड़े ने वह सहु चुकणगे। फिलहाल भगवंत मान ने अपने एड्रेस दे विच तमाम MLAs नूं बहुत सारियां गल्लां कहियां, जिहड़ा उन्होंने लैजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग दे विच कहा है, ते फिलहाल 16 मार्च नूं हुण सहु जिहड़ी है नई सरकार भगवंत मान बतौर चीफ मिनिस्टर ते उन्हां दे कैबिनेट कोलीग चुकणगे। कैमरा पर्सन मनोज सांगवान के नाल सचिन कुमार, BP साझा, मोहाली।